हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईआईटी या एनआईटी में जो फिजिक्स से एमएससी करने वाले स्टूडेंट हैं उनका एमएससी के बाद में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, उनके पास क्या करियर के ऑप्शन रहेंगे, उनका अगर प्लेसमेंट होगा तो क्या प्लेसमेंट होगा, कहाँ प्लेसमेंट होगा, कितना पैकेज उनको मिल सकता है, तो इन सभी सवालों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है एक वीडियो को शूट करने में। तो हम बात करते हैं कि जो एमएससी करने वाले हैं फिजिक्स से आईआईटी एनआईटी से, उनका करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, वो उनका प्लेसमेंट कहाँ होगा। डियर फ्रेंड, तो प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए जहाँ एमटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन कंपनियों में, वहाँ एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर अगर कॉरपोरेट सेक्टर देखें तो उनमें भी फिजिक्स वालों का सिलेक्शन होता है, लेकिन थोड़ा चांस कम है कॉरपोरेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इन प्रकार के खूब सारे इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीरी है, इस प्रकार के इंस्टीट्यूटों में डायरेक्ट आईआईटी या एनआईटी से इनका सिलेक्शन होता है। काफी सारे पोस्ट होते हैं इनपे, रिसर्च एनालिटिक या साइंटिफिक असिस्टेंट, काफी सारे पोस्टों पर इनका वहां से डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। हम और देखें, बात करें कि प्लेसमेंट के सेक्टर में एजुकेशन इंडस्ट्री में इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे इंडिया में काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इन एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट को हायर करती है, और जो कोचिंग इंडस्ट्री है आईआईटी वगैरह की जो तैयारी कराते हैं वो भी इस टाइप के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। बाकी और भी काफी सारे चांस है डियर स्टूडेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो भी काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑफर करती है पीएचडी या एमफिल और रिसर्च कोर्स करने के लिए। अब बात करें अगर स्टूडेंट्स का, बात करें प्लेसमेंट कितना होता है, लगभग सारे आईआईटी एंड एमएससी वाले स्टूडेंट है उनका प्लेसमेंट हो जाता है, लगभग स्टूडेंट्स का हो जाता है। अगर पैकेज की बात करें तो पैकेज जो है डियर स्टूडेंट 4 लाख से 12 लाख तक का पैकेज मिलता है, लास्ट ईयर आंकड़ों को अगर हम देखें। हेलो डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान जरूर रखें, मैं पिकेसर मोटिवेटर इंडिया के हर स्टेट के कैपिटल में आ रहा हूँ काउंसलिंग के लिए। अब जो काउंसलिंग है वो किस पे डिपेंड होगी, आईआईटी जेम से रिलेटेड आप ले सकते हो, आईआईएससीआर से रिलेटेड ले सकते हो, और जो जेई एडवांस और मेंस है इनके बारे में आप काउंसलिंग ले सकते हो, और साइंस डिपार्टमेंट से जुड़े हर प्रकार की एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट, हर प्रकार की आप जानकारी काउंसलिंग के अंदर आप ले सकते हो। अब जो काउंसलिंग बोर्ड है वो क्या है, आप सेमिनार के अंदर भाग ले सकते हो, आप पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो, ग्रुप काउंसलिंग आप ले सकते हो, और जो फीस है दोस्तों बहुत मिनिमम है। आप जरूर अपना कमेंट करें कौन सी सिटी में है, या तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, या आप व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में है और नीचे दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप करके आप पूछें कौन सी स्टेट में, की कैपिटल में कब सेमिनार होने वाला है, आप जरूर भाग लें इसमें। आपको काउंसलिंग से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, आप काफी सारी अभी जो माइंड में कंफ्यूजन चल रही है आप उनसे छुटकारा पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।